बता देता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, परिवार के लिए कितनी, ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से संवैधानिक रूप से सही काम किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। यस, बिकॉज द वे मुंबई पुलिस वॉज बिहेविंग वॉज टोटली इलीगल, वॉज टोटली अनइथिकल, वॉज टोटली अनप्रोफेशनल। वन आईपीएस अफसर इज गोइंग टू मुंबई विथ प्रायर इन्फॉर्मेशन एंड ही इज बीइंग क्वारंटीन एट 12 o'clock midnight. This is not done. This is not professional behavior. This is very bad. तो आपको क्या लग रहा है, अब होकर रहेगा, नतीजा आकर रहेगा? नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। सब लोग मुंबई पुलिस को भी करारा तमाशा लगा इससे। संजय राउत ने आपके ऊपर भी बहुत सारे, देखिए किसी राजनीतिक व्यक्ति के आरोप का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है, उस पर मैं मुझे कुछ नहीं कहना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, हम लोगों ने जो स्टैंड लिया उसको प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही थे, इस बात की मुझे खुशी है। पूरे देश को पता चला बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी, सही इंटेंशन से सही दिशा में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी। कुछ लोगों को बेचैनी थी, छटपटाहट रही होगी कि उनका कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा